बांग्लादेश इंडिया के इर्द गिर्द तीसरा नेशन है जिस जो गिरा है, अगर हम पाकिस्तान को भी जोड़ लें और इमरान खान जेल में है तो चौथा नेशन है। सबसे पहले म्यांमार गया, फिर श्रीलंका गया, अब बांग्लादेश जा रहा है। और डेमोक्रेसी के सबसे बुरे हाल इस वक्त पाकिस्तान में, वहाँ जो सेना चाहती है वही होता है, म्यांमार में जो सेना चाहती है वही होता है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का कोलैप्स हो गया है। और हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, तो इसे कहते हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का पहला पॉइंट बता रहा हूँ, नॉन इंक्लूसिव इलेक्शंस होते हैं। नॉन इंक्लूसिव इलेक्शंस का मतलब होता है कि जिसमें विपक्ष को कोई जगह नहीं दी जाती, बात समझ में आई, नॉन इंक्लूसिव इलेक्शंस होते हैं। ये पहला चीज़ है जो श्रीलंका में भी हुआ था, विपक्ष को जगह नहीं दी गई, बांग्लादेश में भी हुआ, विपक्ष को जगह नहीं दी गई। इसमें एक चीज़ करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से पूरे विपक्ष को बाहर कर देते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ अपोजिशन। लिख लीजिए इस लाइन को भी, एक्सक्लूजन ऑफ अपोजिशन। डेमोक्रेसी की डेथ कहाँ से शुरू होती है? नॉन इंक्लूसिव इलेक्शन से शुरू होती है, एक्सक्लूजन ऑफ अपोजिशन से शुरू होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया से ही बाहर करते हैं। हिंदी में हम इसको कहेंगे, हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समावेशिता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समावेशिता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन से ही अपोजिशंस को हम बाहर करते हैं, मीडिया से भी बाहर कर देते हैं, इवन लोकसभा और राज्यसभा में बोलने देने से भी बाहर कर देते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर अपोजिशन। लिख लीजिए इस लाइन को, श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर अपोजिशन एंड सिविल सोसाइटी। श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर अपोजिशन एंड सिविल सोसाइटी, मतलब अब इसे हिंदी में यूं कहेंगे कि विपक्ष और नागरिक समाज को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से बाहर कर दिया जाता है। विपक्ष और नागरिक समाज को, नागरिक समाज मतलब एनजीओज, लोगों की आवाज उठाने वाले ग्रुप्स, विपक्ष और नागरिक समाज को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, एक आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देते वो तो हो गया, विपक्ष को बाहर कर देते हैं वो हो गया, दूसरा विपक्ष और नागरिक समाज को मीडिया में भी जगह नहीं मिलती, लोकसभा राज्यसभा में भी जगह नहीं मिलती और डेमोक्रेसी का खात्मा शुरू होने लगता है। ऐसा कब होता है? जब एक पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीत के आती है तब होता है। लिख लीजिए, ओवर डोमिनेटिंग मेजॉरिटी जब किसी एक पार्टी को मिलती है, ओवर डोमिनेंट मेजॉरिटी जब किसी एक पार्टी को मिलती है, तो वो चाहती है कि अपने विपक्ष का वो सफाया कर, वो अपने विपक्ष का सफाया कर दे। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग ने बांग्लादेश में बिल्कुल ऐसा ही किया। महिंदा राजपक्षे की पार्टी ने श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही किया। और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की पार्टी ने आर्मी की मदद से पाकिस्तान में भी ऐसा ही किया। और अब मैं ब्रैकेट में कुछ बोल रहा हूं, इंडिया में भी विपक्ष की अच्छी खासी पार्टियों को तोड़कर और उनके बचे हुए लोगों को जेल में भेजकर डेथ ऑफ डेमोक्रेसी के इस पॉइंट पर पूरा साउथ एशिया कसौटी में खड़ा उतर रहा है। विपक्ष के और जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ना, उन पर मानवाधिकार उल्लंघनों में वृद्धि होती है। इंग्लिश में लिखिए, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, दे बिकम मोर प्रिविलेंट। जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, जो भी मुझे कुछ बोलेगा, ह्यूमन राइट्स violations, they become मोर prevalent। मानव अधिकार उल्लंघनों में वृद्धि होती है। ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की कुछ खास बातें हैं। ठीक है, मानव अधिकार उसमें उल्लंघन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है। मतलब जैसे तैसे लोगों की जिंदगी चल रही थी, उसमें कोरोना जैसा कुछ आ गया, या रशिया यूक्रेन वार की वजह से दो चीज़ों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक तो ऑयल, रशिया के ऑयल पर बैन लग गया। दूसरा, हम पढ़ेंगे यूक्रेन के वक्त, यूक्रेन और रशिया का ये पूरा इलाका वीट बास्केट कहलाता है। यहाँ गेहूं इतना होता है कि
कि बाजार में जब इस गेहूं को डाला जाता है तो ये बाकी गेहूं की कीमत को सस्ता कर देता है। तो जितने गरीब देश है ना, वो अपने गेहूं का निर्यात करते थे रशिया के और यूक्रेन के पास से। जब से ये वार शुरू हुआ है, गेहूं के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। एक सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, लिख लीजिए डेथ ऑफ डेमोक्रेसी में, सीवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न, गहरी आर्थिक मंदी, इसे आप हिंदी में यूं लिखें, एक गहरी आर्थिक मंदी आती। इसका एग्जांपल दे सकते हैं रशिया यूक्रेन वार से। जिन कंट्रीज में ये अपसर्ज होता है, मतलब लोग रोड पर आते हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, उन कंट्रीज में नौजवान बहुसंख्यक होते हैं, यानी उनकी डेमोग्राफी बहुत यंग होती है। क्यों? यूथ एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है, तो वो अपने गुस्से को चैनलाइज करता है सरकार के खिलाफ आंदोलन करके। तो लिख लीजिए इस बात को, राइजिंग यंग पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन इस बात पर बहुत सेंसिटिव हो जाती है कि हमें बराबरी का हक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इस बात पर बहुत बहुत ज्यादा वो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता, वहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद एक कोटा सिस्टम लेकर आई। कोटा सिस्टम क्या था? जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुजीबुर रहमान का साथ दिया, बांग्लादेश को आगे आज़ाद करवाया, उन लोगों को 55% तक जॉब्स में, 55% तक जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे ही ये बात आई, लोगों ने 2018 में प्रोटेस्ट किया, इन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। फिर केस हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में फैसला देके इसको रिस्टोर किया, बस सब लोग रोड पर आ गए। अब यहां पे जो चीज समझने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं चारों कंट्रीज में दिखाता हूं, एक कंट्री से एग्जांपल लूंगा, चारों में दिखाऊंगा। ये जो यूथ है, बांग्लादेश की इकोनॉमी गारमेंट मेकिंग में बहुत अच्छा करती है, लिख लीजिए इस बात को, गारमेंट मेकर्स में नंबर वन। उसकी दो वजह है, पहली वजह वहां की टेक्सटाइल मिल्स और दूसरा चीप लेबर। लेकिन गारमेंट मेकिंग में आपको ये बात पता नहीं होगी, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, गारमेंट मेकिंग में पानी बेतहाशा चाहिए कपड़ों को रंगने के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा में पानी की कोई कमी नहीं है। और एक वजह गारमेंट मेकिंग में बांग्लादेश के नंबर वन होने का, बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री यानी LDC, लिख लीजिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। यहां से कोई एक्सपोर्ट होता है ना अगर, तो गरीबी रेखा से नीचे वाली कंट्रीज के एक्सपोर्ट पर पूरी दुनिया में किसी तरह का इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते या बेतहाशा कम लगाते हैं। तो सारी गारमेंट मेकिंग फैक्ट्री वो अपने गारमेंट को प्रोड्यूस करने को बांग्लादेश में आउटसोर्स कर देती है। क्यों? एक गारमेंट मेकर को 5 चीजें चाहिए तो वो अमेरिका से आके बांग्लादेश को दे देता है। पहला, कॉटन जो इंडिया से मिल जाता है बहुत बड़ी तादाद में, दूसरा पानी बेतहाशा वो मिल जाता है, तीसरा चीप लेबर, टेक्सटाइल मिल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहां पर अगर मैं मैन्युफैक्चर करूंगा तो दुनिया के किसी भी मार्केट में मुझ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हैवी नहीं लगाई जाएगी, मेरे कपड़े सस्ते बिकेंगे और मार्केट में इकलौते बिकेंगे। इन गारमेंट फैक्ट्रीज में ना पढ़े लिखे लोग काम नहीं करना चाहते, मजदूरी वाला काम है वो नहीं करना चाहते, और बेतहाशा अच्छा करने के बावजूद IMF के बांग्लादेश को द एशियन टाइगर कहने के बावजूद, 9.4% GDP ग्रोथ दिखाने के बावजूद, कुछ ही लोगों के हाथ में ये मुनाफा सिमट के रह जाता है, नीचे के लोगों के हाथ में नहीं आता। असमानता के चलते ये GDP की ग्रोथ लोगों की सैलरीज में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे हमारी कंट्री में भी सेम है, क्लास में दो ही बच्चे फर्स्ट आते हैं, A1 और A2। इंडिया की GDP अगर अच्छा कर रही है तो A1 आप समझ गए कौन है ना, अनिल अंबानी, और A2 कौन, अदानी। नीचे के लोगों के हाथ में क्या ये पर कैपिटा इनकम बढ़कर मिल रही है? नहीं मिल रही। बांग्लादेश में भी जिन लोगों ने आउटसोर्सिंग में लिया हुआ है इसको मैन्युफैक्चर करना, क्या उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है? नहीं,
मिल मालिकों की थोड़ी बहुत, मेन कॉन्ट्रैक्ट देने वाले बड़े ब्रांड लिवाइस, नाइकी और बाकी सब वो फॉरेन में बैठे हैं, वो फॉरेन में बैठे हैं। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कर तो अच्छा रही है, लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी का ये अच्छा करना लोगों को बेनिफिट बनकर नहीं मिल रहा है। और जो लोग कॉन्वेंट स्कूल और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग फैक्ट्री में मजदूरों की नौकरी नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से एक एंगर और फ्रस्ट्रेशन था। इस असमानता और एंगर और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया किसने? COVID-19 ने, जब पूरे दुनिया में डिमांड खत्म हो गई, कोई कपड़े ही नहीं खरीद रहा। और रशिया यूक्रेन वार ने, जब खाने पीने और फ्यूल की कीमत भी बेतहाशा बढ़ गई। तो ये बेरोजगार लोग बेचारे, अब उनके पास सड़कों पर आने के सिवा कुछ नहीं था। इस एक केस स्टडी को साइड में रखिए, मेरे को एक केस स्टडी और दिखानी। श्रीलंका, बहुत छोटी सी इकोनॉमी, इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट टूरिज्म से आता है, या चाय के निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ द टी से आता है। श्रीलंका, उसके पास दम ही नहीं है कि वो चाइना या किसी और से लिया हुआ कर्जा वापस कर सके, क्योंकि उसकी आमदनी सिवाय टूरिज्म के कुछ नहीं है। और COVID-19 आया तो टूरिज्म बंद हो गया, टूरिज्म बंद हो गया तो धड़ाक से इकोनॉमी गिरी। और देश पर पहले से इतना कर्जा था कि उस वजह से उनकी मुद्रा, उसकी वैल्यू चली गई। मुद्रा की वैल्यू क्या हुआ बताओ? चली गई। बस वहां पर भी जो यूथ बैठा था बेरोजगार, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोड पर आ गया। सेम काम पाकिस्तान में हुआ, वो इमरान खान के समर्थन पर रोड पर आ गया। और सेम काम नीट, आप समझ रहे हैं मेरी बात, नीट, और सेम काम जातिगत जनगणना को लेकर। इंडिया में भी एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ है जो बराबरी का मौका चाहता है, इसलिए अपनी जाति को गिनवाना चाहता है। वो रोड पर आने के लिए तैयार है, जिसे विपक्ष भुनाने के लिए तैयार है। इसका मतलब क्या? छात्र नेतृत्व, स्टूडेंट लेड एंटी डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट्स होते हैं, जो बाद में इन गवर्नमेंट्स के गिरने का कारण बनते हैं। ठीक है, ये अगली चीज आ गई, अब ध्यान से सुनना, उसके बाद क्या होता है। जो अपोजिशन ग्रुप्स को आप कुचल रहे थे, जिनको मीडिया और बाकी जगह बोलने नहीं दे रहे थे, जिनके इंपॉर्टेंट लीडर्स को आप उठाकर जेल में डाल रहे थे, वो इन मूवमेंट के सिंपेथाइजर्स बनते हैं और इन मूवमेंट्स को एक दिशा देने लगते हैं। सेम काम पाकिस्तान में हुआ, सेम काम श्रीलंका में हुआ, सेम काम म्यांमार में हुआ, सेम काम लेटेस्ट बांग्लादेश में हुआ। अब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब दिखता है कि कुछ बदल नहीं रहा, हम रोड पर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, दे लूज द ट्रस्ट इन स्टेट। सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होता है कि वो राज्य ना एक्सटर्नल कंट्रीज की मदद लेने पर लगता है। अब उसको महसूस होता है कि ये जो यूथ है करवट ले रहा है, मुझे ना जल्दी से जल्दी रोजगार पैदा करना है। सब चाइना का दरवाजा खटखटाते हैं, या इंडिया का दरवाजा, या अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हैं, और उनसे आर्थिक मदद मांगते हैं। आर्थिक मदद मांगने से क्या होता है कि इनके ऊपर कर्जा और बढ़ता जाता है, और ये कर्जा वापस कर नहीं सकते। क्यों? ये इतनी विदेशी मुद्रा नहीं कमाते। अब यहां सुनना मैं जो बता रहा हूं, इन्होंने कर्जा लिया विदेशी मुद्रा में, वापस विदेशी मुद्रा में करना है, इतनी विदेशी मुद्रा ये कमाते ही नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी करेंसी में प्रिंट करके देने लगते हैं। जब आप अपनी करेंसी को बिना गोल्ड के बहुत ज्यादा प्रिंट करोगे तो आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। जब आप मार्केट में बेतहाशा अपनी करेंसी फैलाओगे तो वो कागज की रद्दी के सिवा कुछ नहीं। क्या तुम्हारे पास इतना सोना है जितनी तुम नोटे छाप रहे हो, गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं, हम तो अपना कर्जा उतारने के लिए बस कागज ला रहे हैं, छापते जा रहे हैं। तो जब इतनी मुद्रा तुम सर्कुलेट करोगे इकोनॉमी में, तो तुम्हारी मुद्रा
तुम्हारी मॉनेटरी उसकी वैल्यू गिरेगी, और जब वैल्यू गिरेगी तब लोग कुछ नहीं खरीद पाएंगे जैसे श्रीलंका में हुआ। DEBT TRAP, डेट ट्रैप, मतलब उधार का चक्रव्यूह, उसमें ये फंसने लगे। और उधार देने वाला इनको फ्री लंचेस नहीं देता, उधार देने वाला जानबूझ के इनसे रणनीतिक लाभ लेता है। लिख लीजिए पहले हिंदी वालों, फिर इंग्लिश को निकाल। उधार वाला इन्हें फ्री में नहीं देता, उधार वाला इन पे कोई परोपकार नहीं कर रहा है, वो इनसे बदले में रणनीतिक लाभ लेगा। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, इससे इनकी आर्थिक चुनौतियां और भीषण हो जाती है। जब ये बाहर से लोन लेते, क्यों, लोन देने वाला फ्री थोड़ी दे रहा है, तो बदले में लेगा ही लेगा, वो तो बदले में लेगा ही लेगा। अब यहां देखो मेरी तरफ, तीन चीजें मैं एक पेपर में से काट के लाऊं, मैं पढ़ाता हूं। राइजिंग इनइक्वालिटी है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इन्फ्लेशन है। बढ़ती असमानता, महंगाई, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी, है ना, ये डेडली मिक्स बन जाता है। और ये डेडली मिक्स, इसको कोई चीज बढ़ा देती है। देखो, जब किसी कंट्री के पास रोजगार देने को नहीं है तो उस कंट्री के लोग महंगा एजुकेशन देने लगते हैं। ये कर लोगे तो रोजगार मिल जाएगा, वो कर लोगे तो रोजगार मिल जाएगा, वो कर लोगे तो रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा महंगी होने लगती है, और महंगी शिक्षा लेकर निकलने वाला मजदूरी करने को मना करता है, और वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ स्टेबिलिटी की निगाहों से देखता है। रोजगार नहीं है तो मार्केट में हर तरह की महंगी एजुकेशन है, एक वादे के साथ, ले लो, ये कर दोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। ऐसी कंट्रीज में लोग सरकारी नौकरी की तरफ स्थिरता के लिए देखते हैं, प्लस वो मजदूरी करने को तैयार नहीं रहते हैं, प्लस ये लोग हैं जो अब कॉलम वॉलम लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर बिल लाती है। इन लोगों को YouTube से बैन करने के लिए अब डेमोक्रेसी की डेथ होना शुरू हो गई। उच्च शिक्षा बेहद महंगी हो जाती है, फिर कुछ होता है, हायर पोजीशंस पर भाई भतीजावाद शुरू होने लगता है। जो ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पे होते हैं वो अपने लोगों को वहां फिट करने लगते हैं, क्यों, ये रहेंगे तो लॉयल्टी रहेगी। जैसे हमारे यहां एक इल्जाम है, मैं पहले कह रहा हूं इल्जाम है, कि आरएसएस के लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गए। बांग्लादेश में एक इल्जाम था, अवामी लीग के लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गए। श्रीलंका में एक इल्जाम था, राजपक्षे के मानने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ गए। और एक चीज होती है, देखो इधर मेरी तरफ, ऐसी इकोनॉमीज में, ऐसी डेमोक्रेसीज में बैड लोन्स देने लगते हैं, किसको, उनको जो सत्ता के बहुत करीब है। फिर ये लोन लेकर भाग जाते हैं तो बैंक्स कोलैप्स होने लगते हैं। फिर एक चीज आती है, बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से सुनना, क्या, एक सत्तावादी राष्ट्रवाद आता है। क्या होता है ये, पैट्रियोटिक नेशनलिज्म। तुम हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, तुम देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो। बोल बिगड़ने लगते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। समझ गए, आगे याद आ गया। अगला, अर्बन नक्सल, ये आवाज उठा रहे हैं हमारे, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये गरीबी की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव, अर्बन नक्सल। अवामी लीग ने क्या किया, बांग्लादेश में इन लोगों को रजाकार कह दिया। कौन थे रजाकार, जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करा रहा था, इंडिया और मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर आजाद करा रहे थे, ठीक उस वक्त पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेशियों का जीनोसाइड कर रही थी, उनका मांस रेप कर रही थी, और उस आर्मी का नाम रजाकार था। तो जिसने भी आवामी लीग के खिलाफ आवाज उठाई उसे रजाकार का, जिसने भी इंडिया में आवाज उठाई टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल,
जिसने भी श्रीलंका में आवाज उठाई उसको कहा तमिलियन हो तुम सिंघाला हो ही नहीं, तुम तमिलियन हो। जिसने भी नेपाल में आवाज उठाई उसको कहा तुम मधेसी हो, तुम हमारे हो ही नहीं। इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज, भड़काऊ और उत्तेजक भाषा। जब ये बात फैलने लगी तो लोग अब सड़कों पर आने लगे। अच्छा, दूसरी और एक चीज, अपने विरोधियों को सजा देने में बहुत तेजी करते हैं। शेख हसीना ने क्या किया, खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसको सपोर्ट करने वाली वहां की जमात इस्लामी, जैसे यहां आरएसएस है वहां जमात इस्लामी, उनके लोगों को फांसियां दी बहुत फास्ट, ताकि जो पूरा का पूरा अपोजिशन है वो मिट जाए। फास्ट ट्रैकिंग द पनिशमेंट ऑफ अपोजिशन, अपने विपक्ष को तेजी से सजा देने की प्रक्रिया। अब अगली लाइन सुनना बेटा, ये अथॉरिटेरियन लोग, तानाशाह लोग मीडिया खरीद लेते हैं और फिर मीडिया इनके चारों तरफ एक बुलबुला बनाता है जिससे अंदर असली आवाज पहुंचती ही नहीं है। सत्ताधारी तानाशाह लोग अपने इर्द गिर्द एक खतरनाक राजनीतिक बुलबुला बुन लेते हैं जिसमें मीडिया उन्हें एक संकीर्ण दृष्टिकोण दिखाता है। अरे हर जगह मोदी मोदी हो रहा है, अरे हर जगह मोदी मोदी, शेख हसीना शेख हसीना, हर जगह एक संकीर्ण दायरे में दिखाता। अब इसके बड़े विनाशकारी परिणाम होते हैं। जजेस भी इनके, ज्योरी भी इनकी, मीडिया भी इनकी, फैसले भी इनके, हर लीवर ऑफ पावर इनके हाथ में होते। बांग्लादेश के दो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है, चाइना और इंडिया। दक्षिण एशियाई कॉन्टिनेंट में चीन की खासी महत्वाकांक्षा। दक्षिण एशिया के हर पड़ोसी मुल्क में चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अच्छा, क्या मैं एक लाइन बोलूं, जितना निवेश बढ़ता है, जितना निवेश बढ़ता है क्या उतना प्रभाव बढ़ता है। चाइना का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, पूरा रोड बना दिया है उसने। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक कंट्री जिसको इंडिया तीन तरफ से घेरता है और जहां इंडिया सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, उसमें अगर हैवी इन्वेस्टमेंट चाइना का आ जाए तो क्या यह इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत ने बांग्लादेश को तीन तरफ से घेर रखा है विथ 22 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 22 किलोमीटर के गलियारे के साथ। 22 किलोमीटर का गलियारा, तीन तरफ से भारत ने बांग्लादेश को घेर रखा है, सब ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या बांग्लादेश को जॉब्स क्रिएट करना पड़ेगा अब जो भी रूल करे? क्या अपनी इकोनॉमी सस्टेन करनी पड़ेगी? क्या उसके लिए उसको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए? क्या इंडिया हैवी इन्वेस्टमेंट करने लायक है? क्या चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट करने लायक है? विच ओनली चाइना कैन डू, सिर्फ चीन कर सकता है, क्योंकि ये विकल्प, बड़े निवेश का विकल्प सिर्फ चीन के पास है, भारत के पास नहीं, पक्का। यहां देखो, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, मराओ मालदीव्स, हम्मन टोटा श्रीलंका, क्योक फू म्यांमार, और अब क्या बांग्लादेश की बंदरगाहें भी चीनी बनाएगा? अगर ग्वादर जैसा हैवी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश को कर्जा देकर चीन वहां करने लगेगा तो क्या बांग्लादेश कुछ ऐसा बनाता है कि बेचकर विदेशी मुद्रा लाकर यह कर्जा उतार देगा? नहीं। तो बदले में सारे बंदरगाहों के राइट्स किसके हाथ में जाएंगे? कर्जा देने वाले के। कौन? चाइना। तो क्या बदले में चाइना यहां अपनी सबमरीन लाकर खड़ा करने का हक रखेगा? बंदरगाहों का निवेश कर्ज का एक चक्रव्यूह तैयार करता है। हैवी इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट्स लीड्स टू डेट ट्रैप। इधर देखो, मेरे को कुछ समझाना है। हम्मन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन को बनाने को दिया श्रीलंका ने, चाइना ने बराबर हम्मन टोटा पोर्ट के 50-50 इक्विटीज को श्रीलंका को दिया और 50 अपने पास रखा। श्रीलंका को बोला, देख मेरे दोस्त, जमीन तेरी? बोले हाँ। पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा? बोले हाँ। मैं 50 रख लूँ? हाँ। तुम 50 रख लो? हाँ।
और उसने बोला नहीं मेरा पोर्ट मुझे वापस चाहिए, तो बोला कोई बात नहीं मेरा कर्जा वापस करते जाओ, मैं ये 50 में से शेयर तुमको देता जाऊंगा, 99 साल में क्या होगा पूरा 100% पोर्ट तुम्हारा। श्रीलंका बोला हाँ थैंक यू, ऐसे ही करेंगे। श्रीलंका कुछ बनाता नहीं, श्रीलंका कर्जा वापस नहीं कर पाता, चीन वहां से फोन पे फोन करता है। श्रीलंका को बोला मेरा पैसा, सर 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 सुनिए ना सर, वो असल में ना चाय की वो बारिश ज्यादा हो गई, चाय बिकी नहीं सर, वो टूरिज्म कोविड की वजह से। चीन कहता कोई बात नहीं अगले महीने दे देना, चलो उसके अगले महीने दे देना, चलो उसके और अगले महीने दे देना। करते करते एक दिन चाइना फोन करता है कि सुनो मेरी ना एक सबमरीन खराब हो गई। अच्छा हाँ, तो तुम्हारी बंदरगाह पे लाएंगे, हमें अपने इंजीनियर्स भेजूंगा, वो उसको वहीं बना देंगे। चाइना श्रीलंका कहते प्लीज 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 सर, हाँ प्लीज जल्दी से भेजो अपनी सबमरीन। सबमरीन आई, उसके बदले श्रीलंका कहता सर लेकिन 2 महीने की मोहलत मिलेगी ना। हाँ मिल जाए मेरी सबमरीन वहां खड़ी कर दो। सबमरीन वहां खड़ी हो गई। श्रीलंका को इंडिया का फोन जाता है, चाइना की सबमरीन क्या कर रही है वहां, वो खराब हो गई है बनने आई है। कहता नालायक खराब हो गई है बनने आई है। बराक ओबामा इंडिया आए हुए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के परेड के चीफ गेस्ट बने हुए हैं, जिस दिन वो आ रहे हैं उसी दिन सबमरीन नीचे खड़ी हो रही है, इसका मतलब मैसेज दे रहा है चाइना। अब श्रीलंका की बत्ती जलती है, अरे बाप रे ये तो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत को और यूएसए को सिग्नल देने के लिए। यूएसए वापस लौटता है तमिलियंस के ह्यूमन राइट्स खराब करने के लिए, मुकदमा दायर करता है श्रीलंका पे यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। इसे कहते हैं कर्ज का चक्रव्यूह, डेट ट्रैप। अगर बांग्लादेश में भी ये हो गया तो हम कहां जाएंगे,